दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो कल रात से जब से एएलपी का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, लगातार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया मैंने बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ रखी है, क्या सच में 30 से 40 दिन के अंदर हम एएलपी का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रियलिटी पर प्रूफ करके दिखाता हूं कि हां, आप बड़ी ही आसानी से इन 30 से 40 दिन के अंदर बड़े ही आराम से एएलपी का सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हो और सीबीटी 2 के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय होगा। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी यह है कि जिस तरीके का लेट लतीफी वाला रवैया आप लोगों को दिख रहा है, उस हिसाब से तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कैलेंडर फॉलो होगा। और अगर कैलेंडर फॉलो भी हुआ तो अगस्त लास्ट में कहीं पेपर होगा, और अगस्त लास्ट में अगर पेपर होता है तो मिनिमम 40-50 दिन का समय आप लोगों के पास है, और 40-50 दिन के अंदर इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत आसान काम है। कितना आसान है? बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। आपने 10th किया, 12th किया, आईटीआई की, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, सारी की सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं जो यहां पे आने वाली हैं। वही 10th और 9th की साइंस यहां पे आप लोगों को 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी, जिसमें आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर कर लेते हो तब भी आप 15 नंबर खींच के ले आओगे। इतना ज्यादा आसान है। बायोलॉजी में सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक करके चले जाओगे तो 5-7 नंबर की जो बायो आएगी उसमें भी आप 2-3 नंबर तो बड़े आसानी से खींच सकते हो। तो अगर आपने सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ा तो मैं लिख के दे सकता हूं कि किसी का बाप आपको 2,80,000-82,000 बच्चा 2.819 लाख स्टूडेंट, यानी कि 2.2 लाख के करीब, वो सॉरी 2.8 लाख स्टूडेंट इसके अंदर सेलेक्ट होगा। 2,82,000 स्टूडेंट, और 2,82,000 में भी अगर आप बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई और 12th करने के बाद नहीं आ पाते हो तो यह हम लोगों पे शर्म की बात है। हां, हो सकता है कि आप लोगों की वो चीजें धूमिल हो चुकी हो, अब आप लोगों को वो चीजें याद ना हो, तो वो चीजों को बूस्ट करने के लिए यह क्रैश कोर्स होता है। और बड़ी ही आसानी से सिर्फ नौ चैप्टर्स 10th में है, 5 केमिस्ट्री के और 4 फिजिक्स के, इसी तरीके से 5 केमिस्ट्री के और 4 वो 5 फिजिक्स के और 4 केमिस्ट्री के 9th में है, उल्टे हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 18 चैप्टर्स में से आप बड़ी ही आसानी से 14 से 15 नंबर खींच सकते हो, बड़ी ही आसानी से 15 नंबर आपके यहीं से हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैथ्स में आप सिर्फ सिलेक्टेड चीजें कर लो। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर 2-2, 3-3 मार्क्स दिलवा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कम पढ़ के आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, किन किन चीजों को पढ़ के आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप लोगों को यह नॉलेज है तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक रहा है, बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं इस चीज को। और मैं इस गाइडेंस कोर्स में यही सब चीजें करवाने वाला हूं। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छा नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है, क्या नहीं है, और क्या सच में आरआरबी ग्रुप डी के अंदर लास्ट 25 डेज के अंदर बच्चों ने सिलेक्शंस लिए थे या नहीं लिए थे। देखिए, दो तरह के टीचर्स होंगे, एक आपके ऊपर बहुत बोझ डाल देंगे, एक आपको बहुत ज्यादा डरा देंगे, और तीसरी तरफ एक ऐसा बंदा होगा जो आपको कह रहा होगा टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, सारी चीजें करवा दी जाएंगी, क्योंकि टेंशन लेके वैसे भी एग्जाम निकलना नहीं है। तो जितना लास्ट टाइम पे आप कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उनको करके चले जाओ, आपका प्री 100% हो जाएगा। और जैसे ही प्री होगा फिर आप तैयारी में लग जाइए मेंस की, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले तो रहिए आप लोग पॉजिटिव कि 30 दिन नहीं है, आप यह चीज भी भूल जाइए कि 30 दिन है, और मान लेते हैं 30-40 दिन भी हैं, तब भी आप इतना सिलेबस तो कर ही लेंगे जिससे आपका प्री क्लियर हो जाए। इतने बड़े बुद्धू आप नहीं हो, रेलवे की जीके में 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो आपके पुरानी बेस्ड नॉलेज जो आज तक आपने पढ़ा है, चाहे वो धर्म के बारे में हो, चाहे वो पार्टी के बारे में हो, 2-3 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। और साइंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पहले ही पढ़ रखे होंगे, वो क्वेश्चंस आप करके आओगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ जा रही है कैटेगरी की,
उस कट ऑफ को क्लियर करना आप लोगों के लिए आसान है, क्योंकि 2,80,000 बच्चा प्री क्लियर कर रहा है। तो आप घबराइए मत, एक बेहतर गाइडेंस को चूज करिए जो आपको यह बता पाए कि भाई इस समय पे इसे छोड़ दे, इससे काम नहीं करना है हमें, ये पढ़ लो इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये कर लो, ये कर लो। अगर आपको किसी ने यह बता दिया कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये लो नोट्स, इन नोट्स की हेल्प से पढ़ लो, तो भाई साहब सिर्फ 30 चैप्टर भी नहीं है मैथ्स के अंदर, और 18 चैप्टर मैंने आप लोगों को बताए हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर। उन 18 चैप्टर्स को कर लो और जो समय बचा है वो बायो में दे दो। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ 30 दिन भी है ना, सिर्फ 30 दिन भी अगर आप पर डे एक चैप्टर निपटाते हो पर डे, क्योंकि आप लल्लू नहीं हो क्लास 9th के कि भैया आपको बहुत डेप्थ में समझाना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है एक चैप्टर का। अगर आप सिर्फ वो भी करके चले जाओगे ना, तब भी मैं कह रहा हूं जैसे आप सेमेस्टर में पास होते थे ना, इस तरीके से आप लोग पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेके आ जाओगे और यहां पे आपकी सीबीटी बनके क्लियर हो जाएगी कट ऑफ। लेकिन आपको डराने वाले टीचर्स मिलेंगे या ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो आपको इतना इतना सारा कंटेंट दे देंगे कि ले पढ़, मेरे टीचर से मैथ्स पढ़, मेरे टीचर से रीजनिंग पढ़, मेरे टीचर से फिजिक्स, एक ही दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये दुनिया भर की चीजें जब आपके सर पे आएंगी तो आप कहोगे है साला मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरी तैयारी नहीं हो रही। तो आप इन सारे कंफ्यूजन से अगर बचना चाहते हो तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप किसी के साथ जुड़े हो तो अच्छा है, अगर नहीं जुड़े हो तो ये जो फीस है, जो 299 रुपए आप लोगों के लिए फीस है, जो आपके सामने 299 रुपए फीस रखी हुई है, ये एक बंदे की बात मुझे इतनी अच्छी लगी, कल ग्रुप में बोला उसने कि अगर इतनी ही गरीबी आ गई है तो एक दिन मजदूरी कर लो और उसके बाद पूरे साल पढ़ाई कर लो अच्छे से। एक दिन की मजदूरी में आप पूरे साल, इस समय इतने सस्ते कोर्सेज हैं, 500-500 रुपए में आप एक एक साल 9-9 महीने तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक दिन अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए, अपनी लाइफ के लिए नहीं दे पा रहे हो तो बताओ क्या होगा। आप या तो पूरी जिंदगी में रोते रहिए कि 199 फीस कर दो, 99 फीस कर दो, 9 रुपए फीस कर दो, मतलब इस तरीके की इतनी भद्दी चीजें, जब आपको इसके अंदर दुनिया भर की चीजें दी जाएंगी तो आपको बताइए क्या लगता है कि ये सारा का सारा सिलेबस अगर आपकी चीजें कवर हो रही है वो भी बेहतरीन तरीके से, तो आपको लग नहीं रहा कि आप बहुत जाहिलियत वाली बात करते हैं कि भाई 9 रुपए कोर्स स्किप कर दीजिए, 199 रुपए कर दीजिए। अरे कम से कम पढ़ाई पे इन्वेस्ट करोगे तो लाख गुना होके लौटेगा, और अगर नहीं करोगे तो देखना जब लास्ट टाइम पे आपको दिखेगा ना 12 घंटे काम करना पड़ेगा और मजदूरी कितनी मिलती है वो आप लोगों को पता है। इस चीज से आप लोग अभी वाकिफ नहीं हो, बड़ी बड़ी कंपनीज इंप्लॉय को निकाल रही है क्योंकि रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी आ गई। आपके पास चांस है, या तो इसे गवा दो या फिर इससे सिलेक्शन ले लो। तो मेरा मानना तो यह है, यह इतना सा सिलेबस है, 30-30 टॉपिक गिनके भी नहीं है, पर डे एक चीज को भी अगर निपटाओगे ना तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं, बच्चों को सारी चीजें देंगे मैथ्स में, साइंस में, ये देखिए पूरा सिलेबस है, रीजनिंग के भी टॉपिक्स बिल्कुल गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आपके यहां दिए हुए हैं। तो 30 तो टॉपिक्स भी नहीं है, ये देखिए आपके ये टॉपिक्स हैं साइंस के, जिसमें ये 5 चैप्टर्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के, और फिर इसके बाद ये जो 3 चैप्टर्स हैं मोशन, फोर्स और ग्रेविटी, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मोशन, फोर्स, ग्रेविटी और वर्क, साउंड, ये हमारे 5 चैप्टर्स हो गए। इसी तरीके से यहां पे केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस, मेटल्स, कार्बन, पीरियोडिक टेबल, ये हमारी है। और फिर इसके बाद आप लोगों के पास ये है लाइट वाला, ये लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, बस इतना करिए। ये तो एक एक घंटे के भी चैप्टर नहीं है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एनवायरमेंट, ये तो कुछ भी नहीं है, इस चीज को तो छोड़ दीजिए। एक बार को आप बायो भी इनके साथ कवर कर सकते हो कि एक चैप्टर आप फिजिक्स का कवर कर रहे हो, साथ में एक टॉपिक बायो का पढ़ लिया, जैसे कि रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक दिन तुमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, तब भी आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन आपको कोई गाइड करने वाला हो, आपको पता हो कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई। कमी नहीं है।
झुंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की धुन उभार दो आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की धुन उभार दो आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड सर सबर और ध्यान दोनों से सुनिए इस बार सिर्फ मजा ही नहीं ताज्जुब भी होगा तो आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है आप लोगों का सिलेक्शन। प्लीज आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मैं एक लिंक दे रहा हूं, अलग से मैं ग्रुप बना रहा हूं, जिससे कि आपको ट्रस्ट हो कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता एग्जाम। और इन रिव्यूज को आप जरूर से जरूर पढ़ें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट ने बोला है। आप ऐप पे भी जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, वैसे हर ग्रुप में है ये, तो आप तो अपने टेलीग्राम ग्रुप फ्री वाला तो कम से कम ज्वाइन कर ही लीजिए और इन रिव्यूज को जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो ब्रदर ऑन योर एडवाइस आई हैड स्टडी साइंस एंड सीईआरटी ड्यू टू विच आई हैव बीन सिलेक्टेड टूडे। यहां पर आप देखिए थैंक यू सो मच ड्यू टू योर गाइडेंस आई हैव गॉट रिटन क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रुप डी फ्रॉम सीआर मुंबई 73 मार्क्स। आप ये देखिए ना, इस चीज को देखिए ना, ये कैसे सिलेक्शन लिए हैं और इतने इतने कम टाइम में। आई हैव पास्ड आरआरबी ग्रुप डी पेपर बाई वॉचिंग द रिविजन वीडियोज ऑफ दिस ऐप ओनली 5 to 6 days। जो उसने बेस्ट स्ट्रेटजी, इसकी तैयारी पहले से होगी, इसने सिर्फ रिविजन वीडियोज देखी। और देखो आप यहां क्या रिजल्ट है, बिकॉज सर जी डिडंट गिव मी, ये देखो यहां लाइक ए फैमिली मेंबर। ये आप लोगों के सामने कुछ रिजल्ट्स हैं और मैं इन्हें अगर रिजल्ट को दिखाऊं तो लो देखते रहो, स्क्रीनशॉट्स ले लेना। और अब मैं इसे एंड करके यहां से ऐसे दिखा देता हूं, लो ये रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से। और इसके अगर डेप्थ में पढ़ना है आप लोगों को तो आराम से पढ़ लेना बहुत ही आसानी से। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूं जिसमें बच्चों के सिलेक्शंस ही हैं, उस सिलेक्शंस को आप लोग देख सकते हो। और जब आपको ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो हर बहुत आसान है, बच्चे क्या कहते हैं वो जरूर से जरूर देखो कि इनके सिलेक्शंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये देखो आप यहां पढ़ो ना इनको, इसको पढ़ो ना जो लिखा हुआ है यहां, ये क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये देखिए ना आप क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये जो सिलेक्शंस लिए हुए बच्चे हैं आप ही के साथ के ग्रुप डी में जिन लोगों ने सिलेक्शंस लिए हैं। तो आप लोग जब पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। मेरा मानना पूरा यह है कि आप लोगों को टाइम पूरा मिलेगा और बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शंस ले सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान काम है। तो ये जो बात है 30 से 40 दिन में सिलेक्शन ले सकते हो नहीं, तो मेरी तरफ से एक बड़ा सा यस है। और जितना जल्दी पॉसिबल हो टारगेट्स में डिले मत करो, कल से टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप पीछे रह गए तो आप ये समझिए कि इस समय पे इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि आप लोगों को दोबारा से चीजें करा सकें या आप पीछे की चीजों को पकड़ सकें, क्योंकि स्पीड में चीजें चलेंगी। तो भैया एक भी दिन मत करो, एक भी दिन, जितना जल्दी पॉसिबल हो अगर बैच में ज्वाइन हो सकते हो तो हो जाओ। 299 रुपए बहुत बड़ी फीस नहीं होती है, बार बार कह रहा हूं, बाद में आप 299 लाख भी लेके खड़े होगे ना तो कोई सिलेक्शन देने वाला नहीं है। ये तो आपके पहले मंथ की सैलरी में ही वापस हो जाएगा, 60,000 रुपए 50,000 रुपए जब आपके पास सैलरी आएगी तो ही वापस हो जाएंगे 299 रुपए। तो इसकी क्या औकात है 299 रुपए की। और 299 रुपए के अंदर आप लोगों को पूरे के पूरे जितने नोट्स हैं उनकी पीडीएफ मिलेंगी, जिसे आप प्रिंट निकलवा के बाकी चीजों से बच जाओगे और उन प्रिंट से पढ़ पाओगे। करंट अफेयर्स की मार्किंग पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, एनसीईआरटी की बेस्ट मार्किंग मिल जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है उसमें मार्क किया हुआ होगा। तो आप लोग जब सारी चीजों से भटकने से बच ही गए तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन कैसे रुक जाएगा, ये समझिए। तो चलिए अभी के लिए मैं तो यही कहूंगा कि भैया बड़ा, बहुत बड़ा वाला यस है मेरी तरफ से, आप लोग बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। भटकने से अगर बच गए तो प्री कोई नहीं रोक रहा है, अदरवाइज आपका प्री नहीं निकलेगा फिर अगर आप भटकते रहे तो। मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं एग्जाम से पहले तक मैं जॉब करता था, लेकिन लास्ट टाइम पे मेरे को लगा कि यार ऐसे ऐसे लड़कों के गवर्नमेंट एग्जाम्स निकल जा रहे हैं और हम लोग इतना पढ़ के उसके बावजूद यहां प्राइवेट कंपनी में मरवा रहे हैं इतनी बुरी तरीके से और कितने कम पैसों में,
तब मैंने तैयारी स्टार्ट की और सच में मेरा जो डिसीजन था वो बहुत बढ़िया था और मैं उस डिसीजन से बड़ी आसानी से सिलेक्शन लिया और ना सिर्फ एक जगह बल्कि कई जगह। ये देखिए यहीं ज्वाइनिंग लेटर्स भी पड़े होंगे, ये ले, ये देखो इन्हें चूहे खा गए, ये पड़े ज्वाइनिंग लेटर्स, ये देखो इस पर एड्रेस उड्रेस रहता है इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको ज़्यादा। ये देखिए ये है, ये देखिए इस पर भी एड्रेस है, यहाँ एड्रेस रहता है। ये देखिए ये सारे के सारे ज्वाइनिंग लेटर ऐसे ही नहीं पढ़े, आप समझिए अगर आप पढ़ेंगे तभी होगा, यहाँ इन्वेस्ट करोगे हजार गुना लाख गुना होकर निकलेगा। और करते रहिए पिज्ज़ा पे खर्च, करते रहिए गर्लफ्रेंड पे खर्च, पता चल जाएगा थोड़े दिनों बाद जब सारी चीज़ें चली जाएंगी और आप लोग बैठे होगे हाथ पकड़ के। ये चांस है, आपका फॉर्म फिल है, वैकेंसी सामने थी और आप लोगों ने 299 रुपये के लालच के चक्कर में नौकरी छोड़ दी। आप समझेंगे बाद में, अभी नहीं समझ आएगा, अभी तो लगेगा कि बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं 299 रुपल्ली में। आप लोगों को दुनिया भर की चीजें, इतनी टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ, अब मैं दिखाई दूं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या मिल जाएगा 299 में वो देख लो। ये आप लोगों का कल का था और ये तो आप लोगों का है CBT 1 का, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। अब मैं बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर सारी चीज़ें समझाऊंगा, इतनी सारी टेस्ट सीरीज, बेस्ट गाइडेंस, इन डेप्थ सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स, रीजनिंग, स्ट्रैटेजी के, CBT 1 फुल्ली सिलेबस कवर्ड, NCERT और करंट अफेयर्स की मार्किंग, और आप लोगों को बैच लेने से क्या फ़ायदा मिलेगा ये चीज़ देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक सिलेक्शन में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी समझ नहीं आएंगी, ये तब समझ आएंगी जब आपका सिलेक्शन रह जाएगा या आप खड़े होगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप रो के दिखाओगे कि भैया मेरा तो इस वजह से ना हुआ। वो कहेगा मैं क्या करूँ किस वजह से ना हुआ, किसी लड़की से कहो बाबू मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोर्स नहीं लिया था, या उसे क्या फर्क पड़ता है, वो कहेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे सामने खड़ा तो है दूसरा। इन चीज़ों का अभी ख्याल रखिए, अभी टाइम है, पढ़ लीजिए, दोबारा कोई ऐसा मौका नहीं आएगा। अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना तो मैं सच बता रहा हूँ आप लोग बहुत लेट हो जाओगे, और वो क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा तो आप लोग उसका पीछा नहीं कर पाओगे, ये समझ लीजिए। जितने टाइम बचा है कोशिश करिए कि निकाल लो, और जब आप एक बार शुरू कर देते हो ना, आप ग्रुप डी में मान लीजिए जॉब कर रहे हो या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप एक बार स्टार्ट तो करिए। आप जब शुरू कर देते हो ना, आपका प्री निकल गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप उन 3 महीने में बड़े ही आसानी से, 3-4 महीने का समय मिलेगा, CBT 2 भी क्लियर कर लोगे और फिर साइको भी। ऐसे जन ना जाने कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने लास्ट टाइम पे मरे हुए मन से तैयारी की और आज वो बड़े आराम से ALP भी बने बैठे हैं, ग्रुप डी में भी हैं, JEE तक में हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से तो सही है, निकाल सकते हो, बार बार कह रहा हूँ 100% निकाल सकते हो, बाकी आपका मन है। अगर आप नहीं ही पढ़ना चाहते हो और रोना ही चाहते हो, आपका मन ही है रोने का, तो आप करते रहिए 199। अरे 500 रुपये तो एक दिन दिहाड़ी चल रही है इस समय पे, 400 रुपये तो दिहाड़ी मिल रही है, और यहाँ 299 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है, PDF मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं। भैया क्या करोगे आप लोग, 400 रुपए की दिहाड़ी में आप लोगों को दुनिया भर की चीजें मिल जा रही हैं। अरे अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक दिन जाके आदमी दिहाड़ी ही कर ले और उसके बाद आके पढ़ ले। हम लोगों ने तो एक एक दो दो महीना जॉब करी है कंपनियों में सिर्फ अपनी पढ़ाई के खर्चे निकालने के लिए। पढ़ाई में कभी लालच मत करो, बार बार समझा रहा हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।